कटिंग चेयर जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वो फेशियल चेयर है, मेकअवर है, कटिंग चेयर जो होती है वो स्टूल टाइप होता है, लेकिन हमें हाल में बैठ जाए, बाल पिने खोल दे अपनी। एक चेयर और ले, चेयर और ले, स्मार रखना है, ये बाइक बंद कर दो, एक चेयर पीछे से दे दो। आप यकीन करें ये पार्लर की फील्ड में जब आप स्टूडेंट्स आती है या फिर आपके, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी हैं, ये लड़का भी साथ मेरा स्टूडेंट है, ये भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़के भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो समझ लें आप किसी बैंक में जॉब ला गई है, प्रॉफिट ही बढ़ा, थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, फेशियल करो 1500 ले लो, 2000 ले लो, तो ऐसे ही है ना, कसम मेकअप करो 10000 दुल्हन के ले लो, एक हम बाल कटिंग करते हैं कैंची की, उससे मेहनत दी है 1000 रुपये मैं लेता हूँ, मुझे कहते हैं ज़्यादा करें रेट, मैंने कहा मैं 1000 ही लूँ, चाहे बड़े से बड़ा सेटअप बना रहा, जिसके पास नहीं होता मैं उसकी भी कटिंग कर दूँ, गरीबों का भी ख्याल करें जो आपके घरों में काम करते हैं, जो आप आस पास के लोग हैं उनको भी फैशन करने का, तो वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कभी आप सबका जारिया फ्री भी उनका काम किया करें, आपका फ्री नहीं होगा, आपका 5000 होगा। चेयर नहीं, आप ना इधर इधर बैठे एक सेकंड, नहीं नहीं अभी फेशियल ही करना, मैंने कहा आप एक सेकंड इधर आ जाए, इस चेयर पे आ जाए, सामान इधर ले, इधर ले, इधर ले, एक स्टूडेंट जो बहुत तेज हो, बहुत शार्प हो वो मुझे चाहिए, एक स्टूडेंट्स कोई है आना चाहती है हेल्प के लिए, तो आ जाए, आ जाओ आप, आ जाओ, अच्छा छोटे छोटे टिप्स होते हैं हेयर कट्स करने के लिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे तो कट्स के लिए हमने एप्रल लगाना है, उनका बालों को आपने इधर उठा के शावर करना है हल्का हल्का सा, पंखे को बंद कर दो, साइड पे रखो, ठीक है, शावर लगाने से पहले आपने एप्रल लगाना है और बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो नए होते हैं वो कहते हैं कि हम फलां पार्लर से गए तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा छोटे कर, आप छोटे क्यों करते हैं बाल, पार्लर से क्लाइंट डर चुका है, वो नहीं आते बाल कटवाने, ऐसे ही है ना, तो कोशिश किया करें थोड़ा हाथ हल्का रखा करें। हाँ सही बात है, अच्छा हेयर के काम में शावर के लिए एक सेकंड मुझे देख लीजिए, शावर के लिए ब्रश 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 एक सेकंड मुझे देख, हेयर के काम में आप लोगों का पार्टीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक कट मैं ये करूँगा, जो नए लोग हैं एकदम दोबारा हाथ खड़ा करें, एक कट मैं उनके लिए करूँगा, ये बात सीखी है ताकि नए लोग जितने भी वो हाथ खड़ा करें, स्पेशली यूथ के लिए कट है, मैंने ए प्लस चैनल से ये इवेंट किया हुआ, तो ये हर क्लास में इसलिए मैं करता हूँ कि उन लोगों को भी बड़ा ईजी कट है समझ आ जाए। अच्छा जब पतले बाल होंगे उनको ज़्यादा शावर नहीं करना आप लोगों ने, पतले बालों को ज़्यादा शावर नहीं करना आप लोगों ने, अच्छा कुछ हम लोगों ने अवार्ड लिए होते हैं स्टार्ट में, जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें टास्क दिया जाता है कि जल्दी क्विक सर्विस काम होना चाहिए, तो एक सेकंड के लिए आप आते हैं मेरा उस साइड पे कान के ऊपर से लिए पहले साइड पर ले दिए, अच्छा हाथ के ऊपर बाल रख के जब आप टेल कॉम करेंगे तो आपके बाल जल्दी ब्रश होंगे, समझ आ रही है आप लोगों को, जब आप हाथ के ऊपर ब्रश कॉम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके बाल ब्रश होंगे, चॉइस बाल है, ऐसे बालों के ऊपर आप कैप कट कर सकते हैं, फैदर कर सकते हैं, बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम वध एक सेकंड में ये कट करेंगे, लेकिन हम एक दिन में इस डेमो में बहुत कुछ नहीं सिखा सकते कि जो मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि लोगों ने 3 दिन मेरे साथ स्पेंड किए हैं सुबह 11 से लेके 5 बजे तक उम्मीद नौ के प्लेटफॉर्म पर, अहमद नवाज भाई मैडम जी आप इनके सेटअप पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया, कट्स भी किए हैं, ब्रॉड ड्राइव भी किए हैं, कटिंग में तो माशाल्लाह लाइफ के अगर 3 दिन आप मेरे साथ रहें 3 दिन से मुझे दे दें कि आपको हेयर कट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ नई चीज़ें जो आती हैं वो सीखनी पड़ती हैं, ऐसा ही है, इजाज़त है मैडम खादा जी, हम लोगों के ख़ानदान में ना हम बड़े सीनियर से इजाज़त लेके फिर काम शुरू करते हैं, ये सीनियर है तो इसलिए इजाज़त देना ज़रूरी है, जब भी सीनियर किसी का भी, मैं हूँ मेरे अलावा और भी कोई सीनियर है, सबकी रिस्पेक्ट आप लीजिए, ज़रूरी है कि बड़ों की इजाज़त देके, उस्तादों की इजाज़त देके फिर काम स्टार्ट किया,
सर आप सीधा बिल्कुल सीधा किया। फोर हेड के लेवल पे सामने आके जब हम बालों को कट करते हैं हमारा -45 का एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? -45 का एंगल होगा फोर हेड के लेवल पे सामने आके जब हम करेंगे। नीचे आप पीछे से बालों को स्ट्रेट करेंगे तो हमारा ये जीरो एंगल होगा, और यही बाल जब हम उठा के ऊपर ले जाते तो ये हमारा -90 का एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ऑपोजिट साइड पे जैसे ये मैंने बालों को उठा हुआ, ऐसे छोड़ना नहीं है। आप सबको एक्टिव रखिए, एक्टिव रखिए। फराह हुसैन के साथ A+ मॉर्निंग शो मैंने किया है 2 साल पहले, तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप लिख लें, मैं उसके ऊपर आपको लिंक सेंड कर दूंगा, घर बैठे आप ये मेरा कट देखिए। विद इन 1 सेकंड में मैंने कट किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने भी शेयर किया और लाइक किया। तो नंबर मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास लेनी है सजीव भाई ने, हमने ये मिलकर क्लास अरेंज करेंगे, 3 दिन का कोर्स होगा, तमाम काम उसमें होगा। 0331 538 2041 नंबर दोबारा रिपीट सुन लें, 0331 538 2041 सर शहजाद फ्रॉम कमेटी चौक अच्छा सही है जी, प्लेस कमेटी चौक की है, फिंगर में रखो आप, जैसे फिंगर में रखो ये फिंगर डालो, लूज लूज कैच अपने आप ही करो। देख सकते बालों की मैंने टाई बनाई है, नंबर सामने लिखी है, किसी से मिस तो नहीं हुआ। एक बात मेरी याद रखी, अगर वॉइस करेंगे कि मैंने आज सर सजील की क्लास अटेंड की है तो मुझे लिंक सेंड करें, काम शेयर करें, तब मैं करूँगा। आप टाइपिंग करके भेजते रहेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरे इंतजार मुझे पढ़ना शेड़ना नहीं आता। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छी बात। आप 1 सेकंड आए ना, 1 सेकंड आ जाए सीजन मिलते, बल्कि आप देख लिया बालों की पीछे हो जाए, वो कहते थे पीछे हो गए सामने ऊपर करें। कौन सी डिग्री मैं कट कर रहा हूँ? -45 का एंगल है, -45 के फोर हेड के सामने बाल होंगे, यही बाल में ऊपर करके काटूंगा तो 90 का एंगल हो जाएगा। मैजिक कट भी आप इसको बोल सकते हैं, बड़ा कमाल का फैदर कट है, विद इन 1 सेकंड में लेयर बनती है। शोर कम आ रहा है, शोर ज्यादा हो रहा है। फिक्सिंग के लिए दोबारा हम इसको थोड़ा सा रिचार्ज करेंगे, थोड़ी सी चॉपिंग करेंगे, अगर ये रोया तो उसको गंजा करेंगे, वो पहले ही गंजा हो गए। देखिए सामने देखिए, छोड़ दो, सर सीधा सर सीधा, बिल्कुल सर सीधा, बिल्कुल सर सीधा, और
अब हम चलते हैं फ्लिक की तरफ कि फ्लिक को हम लोगों ने कैसे कट करना है। श्योर, क्योंकि हेयर कट्स में जब तक फ्लिक नहीं होगा तब तक हेयर कट्स कंप्लीट नहीं होता। तो जब भी आप लोग काम करें आपका एंगल अच्छा होना चाहिए और आपका आपका अच्छे टीचर की मेहनत बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के साथ। देखें, मैंने कट स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं कट करूँ, कौन मेरे पास आएगा कट्स के बाद? आज पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पर मैं जाता हूँ। बता रहा हूँ मैंने कितना ट्रैवल करना है, कितना आप तो घर जाके सोचेंगे मैंने सारी रात सफ़र करना है। सजीद भाई लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, पूरी रात सुबह 6 बजे भी मैंने वीडियो कॉल की तो ये सोए में मैं सफ़र में था। तो आज एक कट, सिर्फ एक कट आपकी पूरे एरिया की पब्लिसिटी करता है। पूरे जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पूरे एरिया में पब्लिसिटी करता है आपका एक कट, और वही आपके क्लाइंट बनाते हैं। तो आज सजीद भाई की क्लास में एक दफ़ा क्लैपिंग करके बताएं कि आपको मेरा पहला हेयर कट कैसा लगा। अब हम लोगों ने फ्लिक को हेयर कट्स करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे? फ्लिक को हेयर कट्स करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल आईब्रो के सेंटर से हम लोगों ने एक वी शेप लेना है पीछे खड़े होके, नजर आ रहा है? इसी के ही ऑपोजिट हमने आज उसे वी शेप चलूं, वी शेप लेना है हम लोगों ने और बिल्कुल बैक में खड़े होना है। फ्लिक को हेयर कट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टाइल है। ये चैनल है हमारा असद भाई का भी, इसको भी आपने असद भाई फिर आपने थोड़ा माइक में बताना है जी। ठीक है, हाँ, ये पूरा आपको कवरेज पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। जो मोबाइल पे वीडियो बना रही है कैसर स्टूडियो के नाम से, मेरा कैसर स्टूडियो के नाम से मेरी पूरी काफ़ी मेरी ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? 2 से 3 दफ़ा आपने बालों को यूं करना है क्योंकि आपकी हथेली के अंदर ब्लोड रहे की हीट का असर होता है। सब्जियां ज्यादा खाया करें। मैं लास्ट टाइम हैदराबाद क्लास करके आया हूं तो ऐसी क्लास करके आ गया, यहां पे भी कट्स किए, बैक पे मैंने को 8-10 हेयर कट्स किए। तो वापस आके मैं 20 दिन के बाद वो मुझे स्टूडेंट्स कॉल करती, कहती हैं वो मेरी बच्चियों के बाल फिर बड़े हो गए। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हम लोग हैं तो हम लोग गोश और मुर्गी नहीं खाते, सब्जियाँ खाते हैं तो हमारे बाल बहुत बड़े हो गए। तो माशाल्लाह आप लोग सब्जियाँ खाएं, आप ऊपर लगाने से बेहतर है कि अंदर आपका ठीक होगा। तो माशाल्लाह दही खाएं, दही के अंदर प्रोटीन होती है, बालों पे भी लगाएं। आप पहले ज़माने की औरतें लस्सी से सर्द होते थे तो उनके बाल लंबे होते थे। आप लोग भी थोड़ा, ये फास्ट फूड क्या होता है, ये मुर्गी को दूसरा पिज़्ज़ा शीज़ा तो वो बर्गर जितने तो बड़े होते हैं मुँह ही नहीं खोला जाता उसके लिए, तो इन चीज़ों से बचें ज़रा। फ्लिक बहुत प्यारा है, बड़ी ही कमाल की लुक आती है। सबको समझ आ गया? वी लिया मैंने ऊपर से और बैक पे खड़े होकर मैंने इसको अच्छी तरह टर्न करना है। यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको टर्न कर दिया, थोड़ा सा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी ये सामने है। तो एक सेकंड में फ्लिक के साथ आपके हाथों में ऐसा जादू होना चाहिए। मैं कहता हूँ इतने बड़े नामों का कोई फायदा नहीं है, नाम बड़ा हो जाना, पार्लर बड़ा हो जाना कोई इतनी खास बात नहीं है, आपका काम अच्छा होना चाहिए। आगे हो जाए, देखिए मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा हेयर कट फ्लिक को दिया है तो पूरी लुक चेंज होगी, थोड़ा सा मूव हो जाए। दोबारा बात समझाऊँ आप लोगों को, नाम बड़ा होना, सेटअप बड़ा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपका काम अच्छा होना चाहिए। ये मुझसे 3 साल से हेयर कट, खड़ी हो जाए, 3 साल से हेयर कट करवा रही हैं, माइक दिया जाए उनको भी, ये फटाफट जाए जल्दी हो जाए उधर। और 3 साल से हेयर कट करवा रही हैं और बड़े अच्छी स्टूडेंट्स हैं, बड़ी अकीदतमंद हैं और बड़ी मेहमान नवाज हैं। मैं इनके घर में जब गया हूँ जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनसे काम सीखा है, ये मतलब मैंने पहला मेरा हेयर कट था वो मैंने इन्हीं से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा हेयर कट मेरे एरिया में मेरी पहचान है। जो आज इन्होंने किया है मेरे एरिया में ये हेयर कट मेरी पहचान है, और इन्होंने मुझे एक सीज़र दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस सीज़र से अब मैं मेरे ख्याल में अब लाखों में कहें मैं कमा चुका हूँ। शुक्रिया सर उस सीज़र के लिए, बहुत शुक्रिया। सीज़र आप लोगों से अच्छी नहीं है, आप लोग हम लोग एक फैमिली की तरह है। मेरा दिल करता है मैं गिफ्ट देता हूँ, लोग स्टूडेंट्स में मुझे देते हैं लेकिन मेरा दिल करता है मैं कुछ ना कुछ लोगों को दे दूँ।
लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगी आज, ये समझे आगे भी मिलेगी। वो नसीबों वाले लोग होते हैं जिनको सीजर उस्ताद या कोई भी कुछ अपने आप की चीज़ देते हैं। ओके एक सेकंड मुर्जे देखे मुर्जे मुर्जे मुर्जे। अच्छा मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए लेंथ शॉर्ट नहीं थी मेरे बालों की, लेंथ वहाँ की वाली है। कोई बात छोटे हुए मेरी मॉडल की क्लैपिंग कर दें इन्होंने कहा, और इनको बता दें इनका हेयरकट इनको कैसा लग रहा है। ये समझ लें सब शीशा ये लगा हुआ है, अगर वो क्लैपिंग कर दें तो समझ आ पाता हेयरकट का, और छोटे भी नहीं होता। सर शेयरकट हुआ जी, आज का नाम जो है हेयरकट का वो शेयरकट है। मैं